बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप घर बैठे अपनी गाड़ियों के टोकन टैक्स पे कर सकते हैं। इससे पहले ये आपको मैं बताता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से टोकन टैक्स जो हैं वो ऑनलाइन कर दिए गए हैं। अब आप घर बैठे अपनी गाड़ियों के टोकन टैक्स पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक जाने की या एक्साइज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, ये मैंने एक इस वेबसाइट है epay.punjab.gov.pk, तो आपने इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस पर आपने इसको ओपन करना है। इसमें लॉगिन में जाएं। इस पर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने के लिए आपको नया आईडी बनाना पड़ेगा। चूँकि मैंने अपना आईडी बनाया हुआ है, ये फ़ोन नंबर भी क्रिएट होता है, इसमें आपको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं किसी दूसरी वीडियोज़ में आपको बता भी दूंगा कि आपने किस तरह अपना आईडी बनाना है। क्योंकि मेरा आईडी बना हुआ है इसलिए मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई है। इसमें ये लेफ्ट साइड बार पड़ी है, इसमें ये देखिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इसमें आप रूट परमिट की अपनी फ़ीस PSID चेक कर सकते हैं, फिटनेस की फ़ीस चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाके चलान जो होता है वो स्टाम्प पेपर आप वो जनरेट कर सकते हैं। मैं वो भी आपको एक वीडियो में बताऊँगा किस तरह आपने नया स्टाम्प जनरेट करना है। तो इस वक्त हम चेक कर रहे हैं अपनी गाड़ियों के टोकन टैक्स। हम इसमें जाएंगे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, उसमें जाएंगे हम टोकन टैक्स पे। इस पे जाके हम किसी भी गाड़ी का नंबर लिख देते हैं। हम मेरे पास ये गाड़ी है चक्की, इसके मैंने एंटर किया तो ये देखिए मेरे पास उसकी डिटेल शो हो रही है कि ये गाड़ी का इसका ऑनर क्या है, इसका फादर नेम क्या है, व्हीकल मेकर क्या है, कलर क्या है और इसका चलान भी हो गया। यहाँ पे हम कोई और गाड़ी देखते हैं। देखिए हमारे पास ये मैंने गाड़ी चेक की, ये हमारे पास शो हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम इसका चलान जनरेट करेंगे। जब चलान हमने जनरेट कर लिया तो ये हमारे पास PSID आ गई। तो इस PSID को, ये इसकी टोकन की अमाउंट लिखी है। इस PSID को आप किसी भी अपनी बैंक की ऐप से, इजी पैसा ऐप से, जैज कैश ऐप से, किसी भी ऐप से आप इसको पे कर सकते हैं। जब पे करेंगे, पे करने के बाद हमारे पास ये देखें माइस, इसमें हमारा पोर्शन है। लेकिन चूँकि ये पे नहीं हुआ इसलिए ये अनपेड लिख के आ रहा है। हम जब चालान पेड हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये देखेंगे टोकन टैक्स मैंने ऑलरेडी पे किया हुआ है, इसलिए चलान जितने भी हैं ये पे हो गए हैं, ये हमारे पास पेड में आ रहे हैं। इस पर हमने इसका प्रिंट ले लेना है और प्रिंट हमने अपने पास महफूज करना है।